बताए बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद रखते हैं? ये हम तो ये सोचा हाँ, कुछ किसानों के बारे में सारा देव है, किसान घना पीछे जा लिया। अरे ये जो ये कानून है, ये धरना पर बैठे हैं, इन भी क्युकरे समझौता करके न इन समझाओ है, ये कानून अपने वापिस ले ले। अरे ये क्यों भीड़ मचा रहे हैं अपना, ये मोदी किया है ओस है, इन्हें करे ठीक, तो वापिस ले लेने चाहिए। हाँ वापिस ले लेने चाहिए। मनोज बताए जो बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद रखते हैं? इसमें जी दवाई बीज खाद इनका सस्ता रेट होना चाहिए और बिजली के रेट भी कम होने चाहिए, बिजली के रेट भी ज़्यादा हैं। और ये दवाई भी नकली आ रही, मैं तो एक बात कहूँ, दवाई भी नकली है, तीन तीन बार मार ली वह जो ये नहीं मर के दे रही, किसान पर कितना बोझ पड़ रहा है। और ये तीनों जो कानून हैं उनके बारे में क्या कहें? तीनों कानून जी ये जब किसान नहीं चाह रहे इन कानूनों को, आते ये गवर्नमेंट क्यों हंगा कर रही है, ये रद्द कर देने चाहिए। हम तो यही चाहते हैं जी, इनको ये रद्द होने चाहिए क्योंकि बवाल मचा हुआ है। हाँ जी, जब बवाल तो मचाएगा जी, जब मतलब जमींदार नहीं चाह रहे तो ये रद्द कर देने चाहिए, बवाल खत्म हो जाएगा। राजेंद्र बताए किसानों बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद है? भाई हम तो उम्मीद यह है ले रहे हाँ कि जो अब की बार जो बजट पास होगा किसाना के हक में होना चाहिए। क्या उम्मीद? खाद बीज है इसका मतलब जो इसका ठीक रेट होना चाहिए, बिजली है बिजली का कोई कंट्रोल नहीं है, बिजली की भी बहुत महंगी कर रखी है, या भी थोड़ी सस्ती होनी चाहिए। और किसानों का थोड़ा बहुत कर्जा भी कुछ माफ, सारा नहीं तो आधा तो करे देना चाहिए, जिसका गरीब किसान उसका जीण का राह हो जा। और ये कानून है तीनों कानून भी वापस होने चाहिए। तो MSP का रेट है यो भी, इसका भी मूल्य सही होना चाहिए। तो ये जो तीनों कानून हैं इन पर बवाल मचा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बवाल ठीक मच रहा है यो।